तरबूज के छिलके की सब्जी बनाने के लिए यहाँ हमने 500 ग्राम तरबूज लिया है, जिसको छोटा छोटा काट लिया है। अब इसके मसाले के लिए आप प्याज ले लीजिए, थोड़ी सी अदरक, लहसुन, और इसको ग्राइंडर जार में अच्छे से पीस लीजिए। अब ये मसाला हम तरबूज के छिलके के ऊपर डाल देंगे। अब सेम कुकर में हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून नमक स्वाद अनुसार डाल के एक स्पून से मिक्स कर देंगे। अब हाई फ्लेम पे हम एक प्रेशर देंगे इसमें। ऑलमोस्ट आपके छिलके गल गए होंगे अब तक। अब एक पैन लीजिए, उसमें 1/2 कप ऑयल डालिए, 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून हींग पाउडर, और इसको सौते करके उसमें हम छिलके डालेंगे। अब 1 टीस्पून गरम मसाला डाल दीजिए और इसको मीडियम फ्लेम पे आप भूनते रहिए जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता। अब देखिए ये ड्राई होना स्टार्ट हो गया है और धीरे धीरे इसमें कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें हम 4 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो बेसन डालने के बाद फिर से आप इसको भूनते जाइए। तो बेसन क्या करता है, बेसन जो इसका ऑयल है वो सोक कर लेगा और एक अच्छा सा रेड कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए ऑयल ने साइज छोड़ दी है और ये आपका बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।